गुरुद्वारा बहुत ही अच्छा गुरुद्वारा है, हमको बड़ी शांति, इस पहाड़ों के बीच में इतना सुंदर सा शहर के बीच में इतना सुंदर गुरुद्वारा है। यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी आए थे, उन्होंने अपना कुछ समय यहाँ व्यतीत किया था, जैसे उनके सितार वगैरह अंदर पड़े आपने देखे हैं। चलो हम लंगर खाते हैं और आपको आगे की तरफ ले चलते हैं हमारी करण चाय। निकल गए मंडी गुरुद्वारे से और अब चले हैं मणिकरण साहिब। तो यहाँ का व्यू बहुत ही खूबसूरत है रास्ते का, और मंडी के बाद ये देखो खराब रास्ता आ गया है। एक तरफ पहाड़, एक तरफ खाई, खाई नहीं है, नदी है, ब्यास नदी। तो फिर भी बहुत डर लग रहा है, रोड सिंगल होने जा रहा है, सिंगल रोड पे हम चलेंगे मणिकरण साहिब तक। देखो रोड बीच बीच में कैसे टूटे हुए हैं। मैंने अंशु को कहा कि आराम से गाड़ी चलाओ, रास्ते देखे मेरी सट्टी पट्टी गुम हो गई, इसीलिए वीडियो बनानी मुश्किल हो गई। ये पर्दा हटा दो, ये पर्दा हटा दो, बाप रे लैंडस्लाइड हुआ। आए दिन होती रहता है ना, बाइकर भी जा रहा है, बाइकर भी जा रहा है। इधर दिखाइए, इधर इधर वो देखो सामने, वो देखिए मशीन दब गया। हाँ मशीन भी दब गई, मशीन देखिए, ये मशीन दब गई है, खराबी हो गई मशीन, पत्थर गिरा लगता है। हाँ वो भी टूट गया, वो जो आगे वाला है। हाँ देखो दो तीन मशीनें खराबी हो गई, आगे का तो वो ही नहीं, मशीन देखो मशीन क्या है ना, आगे वाला पहचान में भी नहीं आ रहा है, मशीनों का सत्यानाश हो गया। बहुत भयानक रास्ते है, फिर कभी भी पहाड़ आकर गिर जाते हैं। तो सपना आपने बहुत पहाड़ गिरे हुए हैं। तो हम वो सामने जो रास्ता नजर आ रहा है सिंगल रास्ता, उस पे ही जाने वाले हैं। तो सामने ट्रैफिक जाम हुई है, जब हमारा नंबर आएगा तो आहिस्ता आहिस्ते गाड़ियाँ आगे बढ़ रही हैं। और देखो सामने गाड़ी खड़ी हुई है, देखो कब तक हम आगे बढ़ते हैं। वो सामने वहीं पे जाना हमें ना, तो जाम में फंस चुके हैं। देखो कम से कम 15 मिनट तो अभी लग चुके हैं, और पता नहीं कितना टाइम लगेगा। वो बैठे हुए हैं गाड़ी में, यहाँ से ना निकल पाए जल्दी तो आगे भी लेट होगा। और पीछे देखो हमारे सब बैठे हैं। आज कौन सी टाइम आ रही है अंशु? ये पंडो टाइम है, ब्यास नदी को रुका हुआ है। पीछे जरा वो देखिए गेट खुला हुआ है, देखो यहाँ पानी कितना अपने लिमिट का। तो आप लोग जब भी आओ टाइम निकाल के आओ, ज़्यादा टाइम लेकर आओ, क्योंकि यहाँ पे बीच में कभी भी आपको रुकना पड़ जाता है, क्योंकि जैसे हमने अभी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, एनी टाइम कहीं भी फंस सकते हो आप। तो कम से कम 4-5 दिन के लिए आओ, आराम से घूमो और मज़ा करो। तो हमने भी 4-5 दिन का टाइमिंग लिया है, बहुत अच्छे से घूमना है, और अभी खड़े हैं यहीं पर। तो यहाँ पे गेट बन रहा है डैम के, तो आप देख सकते हैं यहाँ पानी रोका हुआ, तो क्या पहाड़ों के बीच में क्या नज़ारे हैं। और ये थोड़ा सिंगल लाइन है तो हमें थोड़ी तकलीफ हो रही है। और ये देखो अब हमारी बात, पहले ये रूट होता था इसी तरह के ऊपर कनेक्ट हो जाता था, वो टूट गया, अब ये नीचे से जाना पड़ेगा, पहले इधर से जाता था। क्या नज़ारे हैं, ये रास्ता अच्छा, पहले इधर से जाता था, वो टूट गया रास्ता, इस तरफ से नहीं जाता है ना, आप उधर से नहीं जाते, वो टूट गया, नीचे से जाना पड़ेगा डैम के। इतने हड़बड़ी है कि वो निकालते जा रहा है, उसे ये नहीं नजर आ रहा है कि गाड़ी जा रही है। देखो कितनी मिट्टी उड़ गई, वो रास्ते में जाना हमें, ये कोई बात हुई, इतना खबरा दबड़ी क्या पहाड़ों में, कभी भी आप खबरा दबड़ी ना करो, आराम से चलो। आधा घंटा लेट पहुंचोगे, हाँ लेट पहुंचेंगे चलेगा, जल्दबाजी मत करो। और ट्रक वाले ने, और ये सामने जो गाड़ी जा रही है वो ट्रैवलर, ये है पानी सामने, देखिए वो जाम देखिए, और सामने डैम है उधर देखिए, उधर देखो जाम फिर से लग गई है, ये ना बंद कर दिया, पानी छोड़ा था, नहीं छोड़ा हुआ, एक गिर रहा है पानी।
रस्ते ना गुफा टाइप दी बनाई है, एरे विच ना पानी गिरदा होएगा अंदर। देखो जाम कितनी लगी हुई है। निकला साइड वाला रास्ता निकल गया हमारा और अभी भी गाड़ियां फंसी हुई है। बाइक वालों को दिक्कत नहीं होती है, दिक्कत होती है चार चक्के वाली गाड़ियों को। फाइनली हम जाम से निकल चुके हैं, रास्ते बहुत डेंजर है। तो हम उस ग्रीन बोर्ड के पास थे और ये देखो डैम, डैम का पानी छोड़ दिया गया है, अधिक फ्लो में पानी आ रहा है। तो अब हम इधर जा रहे हैं और ये सिंगल रोड है तो यहाँ काफ़ी जगह जगह हमें ट्रैफिक मिल रही है। अरे बाप रे, पहाड़ों के नज़ारे तो बड़े अच्छे हैं यार। तो अगर आप भी आते हो तो आप भी नज़ारे को एंजॉय करो और लुफ्त उठाओ। ये देखो इस रास्ते से होकर हम गुजरेंगे। साइड आ गए हाईवे पे। ये दो बन रहे हैं ना एक साथ, एक जाने का ही बन रहा है। अच्छा अभी जाने का है, ये खुल जाएगा तो बहुत रास्ता, बहुत टाइम बचेगा, बहुत टाइम बचेगा। तो हम किस में से जा रहे हैं? हम अभी सीधे जाएंगे। ये दो बना रहे, एक आने का एक जाने का, अगले साल तक बन जाएगा। ये देखो हमारा बच्चा नजारे ले रहा है पहाड़ों के। बाबू इधर देखिए, यहाँ का व्यू कितना खतरनाक और कितना मतलब लुहावना कि मन खुश हो जाए। डर तो लग रहा है भाई, ट्रैवल करना डर तो लगेगा ही, लेकिन ये चीजें भी लाइफ में देखनी चाहिए, हमें सारी चीजें देखनी चाहिए, कमाओ और थोड़ा सा घूमो फिरो भी। सोना लग रहा है, तो हमेशा अपनी लाइफ में कुछ एडवेंचर करें, कुछ नया करें। और आप भी पहाड़ों पे घूमने आए, बारिश होता तो यहाँ वाटरफॉल गिरता, दोनों तरफ पहाड़, नीचे खाई है साइड में। वो अभी तैयार नहीं हुआ, नेक्स्ट मतलब दो साल तक, दो साल नहीं अगले साल तक शायद बन जाए। कच्चा है असली पहाड़, लोकेशन में तो लाइट भी बंद हो गया था। सही
सही बात है। अब इसके आगे रोड क्लियर है, इसके आगे रोड आपका। तो एक टोल प्लाजा और आ गया और इस जगह पे देखते हैं 110 रुपए है, 110 रुपए है बट ये बंद है अपना। हाँ तो फिलहाल के लिए अभी बंद हुआ है, पैसे नहीं लग रहे हैं। यदि टोल प्लाजा में हमारे पैसे लगते हैं तो 110 रुपए लगते, तो फिलहाल के लिए अभी बंद है तो कोई पैसा नहीं लगा, हम फ्री में निकल गए हैं टोल प्लाजा से। नजारे क्या नजारे हैं, लोगों ने घर ना इतने ऊपर बनाए हुए हैं, हमें तो डर लग रहा देख के कैसे चढ़ते होंगे कैसे उतरते होंगे, कितने ऊपर तक बनाए हैं। और घर भी बहुत सुंदर है। तो ये रास्ता सीधा मनाली के लिए जाता और हम जा रहे हैं किस तरफ, मणिकरण साहिब कल जाएंगे, तो कल इस तरफ जाएंगे मनाली के लिए और आज जा रहे हैं मणिकरण साहिब। तो यहाँ से हमारा रास्ता चेंज हो गया है मणिकरण साहिब के लिए, अब फिर से आ गई सिंगल रोड। क्या नज़ारे हैं, कोई भी नज़ारा हमें छोड़ने का मन नहीं करता है, इतने अच्छे व्यू है हम। ये पार्वती नदी है नीचे, ये पार्वती नदी और सामने ये छोटा सा गांव बहुत प्यारा। ये देखिए इधर इधर पार्वती नदी, इतने अच्छे नजारे हैं कि छोड़ने की थोड़ी भी ना इच्छा नहीं कर रही है कि सारे हम ना अपने कैमरे में ना रख ले, बार बार आने का मौका नहीं मिलता। हाँ बार बार आने का मौका नहीं मिलता, फिर पता नहीं कब आना होगा। तो हमें सामने बर्फ नजर आने लगी है, आपको नजर आ रही कि नहीं नजर आ रही वो तो हम नहीं कह सकते हैं, मगर हमें नजर आ रही है। ये जो चीजें बनाई हुई है ना इन्होंने, तो नीचे सामान भेजने के लिए सब बनाया हुआ है। इधर स्लाइड कर देता नीचे जाना मुश्किल है ना, इसको स्लाइड कर देता नीचे चल के चले। देखो ऐसी जगह यहाँ से कितना लेके जाएगा, बढ़िया जगह है। बड़े बड़े पहाड़, रास्ता सिंगल और बगल में पार्वती नदी। ये तो बहुत छोटा रास्ता है, फेस हो गया गुगु। देखो रोड खराब है, रास्ते कितने खराब है, बाबा अच्छे से बीच में कर लो। पौधे कितने चमक रहे हैं, चिट्टे चिट्टे, पता नहीं कितनी चीजें चली गई, ये पता नहीं कौन से फूल है, बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। रास्ता खराब है, वाहेगुरु वाहेगुरु, आस्ते आस्ते वाहेगुरु, ये रास्ता बहुत ज्यादा ही खराब है। रास्ता बहुत अच्छा है, बारिश पड़ गया ना कीचड़ हो गया,
फिर निकालना मुश्किल हो जाएगा से। चढ़ेगा नहीं गाड़ी। बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश ना आए बस। सामने बर्फ का पहाड़ नजर आ रहा है। शीशा ठान कर लो। नहीं नहीं ठीक है। ये देखो और नीचे नदी और ये बहुत खतरनाक रास्ते। अच्छा या भगवान का नाम लेते आओ भैया। बहुत सारी गाड़ियां पार हो रही हैं और सिंगल लाइन है। क्योंकि मुझे तो बहुत डर लग रहा और गाड़ियों को हाई हाई कर अपनी थोड़ी रास्ते थोड़े घर आ रहे हो सुसी आराम ना लेके जाना सालों तो पकड़े वीडियो पकड़ी है आप आराम से और भी काफ़ी राम का काफ़ी ही जब मुझे डर लग रहा तो पार्वती नदी जो हमारे साथ चलते जा रही है और तुसी रास्ता देखिए। तो शायद यहाँ पे कुछ पैसे लगे टूल का है हिमाचल के। फर्स्ट टैग से कटेगा काट दो भाई फर्स्ट टैग से काट दो। तो हमारी एंट्री हो गई। फिर ये छोटा सा टूल प्लाजा था जैकेट्स। कितने
बस है, बस स्टैंड है कसूर का, ये बस स्टैंड है। होटल भी बहुत बड़े बड़े हैं और टूरिस्ट कितने सारे आए हैं देखो सामने, देखो रास्ते बहुत ज्यादा खराब है, एक ही कपड़ा पहन के आए सब, सबने एक ही कपड़े पहने हुए हैं और सामने देखो रास्ता। ये सारी कैंपिंग की जगह है, पार्वती नदी के पास कैंपिंग की भी जगह बनी हुई है और होटल तो बड़े बड़े होटल्स हैं। ये कसोल में कैंपिंग लोग करने आए हैं, कैंपिंग होती है और क्या होता है, ऐसे घूमने आते हैं, ट्रैकिंग भी होता है, ट्रैकिंग होती है, तो खीर गंगा ट्रैक होता है। नीचे भी रेस्टोरेंट होटल्स वगैरह बने हुए हैं, ये तो सारी कैंपिंग की जगह है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं मणिकरण, पक्का 6 बजे हम पहुंच गए मणिकरण, शांति मिल रही है। जी जब तेरे साथ